हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल, हेल्थ एंड फिटनेस कोच एंड द फाउंडर ऑफ हिमालयन स्टैलियन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसकी, पता है? अपर चेस्ट की। आई नो कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कर रहे हो अपर चेस्ट को ग्रो करने के लिए। आप सोचते हो कि भाई जिम में आएंगे हम, फटाफट इंक्लाइन प्रेसेस करेंगे और डंबल प्रेस करेंगे, फ्लाइज करेंगे, हो गया काम, राइट? ऐसा नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट फाइव थिंग्स यू मस्ट डू टू ग्रो अपर चेस्ट। चलिए बात करते हैं वन बाई वन। सो भाई, पहले तो आप ये समझो कि यार अपर चेस्ट है क्या। ये एक कॉमन लैंग्वेज में हमें कहते हैं अपर चेस्ट। बेसिकली इसका मतलब होता है द क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरिलिस मेजर। ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, क्लेविकल कहते हैं इसे, बोन, हड्डी, ठीक है? इसके पास जो आपका ये मसल है, इसे क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरिलिस मेजर कहा जाता है। सी दिस पार्ट। अब इसको डेवलप करने के लिए क्यों हम इंक्लाइन प्रेसेस ही करते हैं या इंक्लाइन फ्लाइज ही करते हैं, ये समझो। जब आप फ्लैट कर रहे हो ना, जब भी आप फ्लैट बेंच प्रेस करते हो तो आपका ओवरऑल पेक्टोरिलिस मेजर ट्रेन होता है। क्यों? क्योंकि एंगल जो है आपका फ्लोर के साथ पैरेलल बनता है आपके अपर बॉडी का। सी, आपका हाथ यूं नीचे जाता है और स्ट्रेच किसको मिलती है? इस पार्ट को, यानी कि कह सकते हो आप स्टर्नल कॉस्टल हेड को ज़्यादा स्ट्रेच मिलती है, क्लेविकुलर हेड को कम और एब्डोमिनल को थोड़ी सी मिलती है। तो इसमें आपका बीच का चेस्ट ज़्यादा ग्रो होता है फ्लैट में, चाहे आप फ्लाई करो या फिर प्रेस करो। अब जब आप एंगल चेंज करते हो इंक्लाइंड तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, जब आप इंक्लाइन करते हो तो आपकी अपर बॉडी का एंगल फ्लोर के साथ पैरेलल नहीं रहता, अब चेंज हो गया, एक एंगल में आ गए हो फ्लोर के साथ। अब जब हाथ आप नीचे लेके जाओगे यू, तो स्ट्रेच देखो कहां पे मिलता है, दिस पार्ट, क्लेविकुलर हेड में स्ट्रेच मिलता है। स्टर्नल पे भी मिलेगा, बीच वाले चेस्ट पे भी मिलेगा, बट आपका क्लेविकुलर हेड पे ज्यादा स्ट्रेच मिलता है। दैट्स व्हाई इंक्लाइंड बेंच प्रेस या फिर डंबल प्रेस या फिर फ्लाइज की जाती है फॉर अपर चेस्ट, यानी कि क्लेविकुलर हेड, राइट? तो समझो इसको इसीलिए। अब एक्सरसाइज सिलेक्शन क्यों होता है ये हमें समझ में आ गया। अब कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका अपर चेस्ट वीक है तो आप यहां पे दो तीन वेरिएशंस कर सकते हो। सबसे पहली चीज आती है आपकी बारबेल बेंच प्रेस, जिसमें आप इंक्लाइंड पे इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हो। सेम चीज हो रही है यहां पे भी। देखिए, आपके हाथ का एंगल क्या बन रहा है, एल्बोज जब नीचे जाते हैं तो स्ट्रेच क्लेविकुलर हेड को इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपका जो फ्लोर के साथ अपर बॉडी का एंगल है वो स्लैंटेड है, पैरेलल नहीं है, ठीक है? तो ये चीज आप जब करेंगे तो इट विल टारगेट योर अपर चेस्ट। उसके बाद सेम चीज जब आप डंबल से लगाओगे इंक्लाइंड बेंच प्रेस में, ठीक है, प्रेसेस, ओके, वही चीज हो रही है। एंगल देखिए, दैट्स व्हाई आपका अपर चेस्ट क्लेविकुलर हेड टारगेट हो रहा है, ओके? जब आप फ्लाइज लेंगे तो देखिए फ्लाई में भी यही मूवमेंट है, ओके? यही सेम एंगल अपर बॉडी का आपके फ्लोर के साथ बन रहा है जिसकी वजह से आपका क्लेविकुलर हेड ट्रेन हो रहा है। अब जब आप चाहो केबल से लगाएं तो केबल से भी आप इसी एंगल पे बेंच पे लेट के लगाओगे, ठीक है, इंक्लाइन में, तो भी आपका क्लेविकुलर हेड यानी कि अपर चेस्ट टारगेट होगा। तो ये आपको समझना है जब भी आपका अपर चेस्ट ग्रो करने की बात आती है। एंड गाइज, बिफोर वी जंप ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बॉडी में किस तरीके से आप ऑप्टिमल हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखते हैं उसके बारे में। एक सही अमाउंट में बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथ बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक सही डाइट और ट्रेनिंग के साथ जब आप ऐसे सप्लीमेंट्स जिसके अंदर आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं जैसे कि मैन मेटल्स का टोस्टेरो कैप्सूल्स जब इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपकी ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस को इंप्रूव करने में। इस सप्लीमेंट के अंदर आपको 20 आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलते हैं जैसे कि गोक्षुरा, शिलाजीत, अश्वगंधा, सफेद मिसली, जो आपकी ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल को ऊपर करने में आपको हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में आपकी स्ट्रेंथ और एनर्जी लेवल्स को इंप्रूव करता है ताकि आप सही तरीके से वेट को उठा पाएं और ट्रेन कर पाएं। उसके साथ साथ ये आपकी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। ये 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक कैप्सूल्स हैं, अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। एक अच्छी डाइट और ट्रेनिंग के साथ मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और इससे मेरी मसल स्ट्रेंथ और साइज को मेंटेन करने में काफी हेल्प मिलती है। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं डेली 2 कैप्सूल्स फॉर 3 मंथ्स एटलीस्ट, और ये आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर रात को सोने से पहले आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इस सप्लीमेंट को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गो हैव अ लुक। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द एंगल्स। अब देखिए, अपर चेस्ट जब आप टारगेट कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे इंक्लाइन के एंगल्स बनते हैं,
पहला ये देखो, ये है आपका 45 डिग्री का, मैंने इससे पहले जो लगाया था वो 60 डिग्री का एंगल था। अब 45 डिग्री के एंगल में जब आप प्रेसेस लगाते हो तो देखो वहाँ पे भी अपर चेस्ट ही टारगेट होगा आपका, बट अपर चेस्ट का क्लेविकुलर हेड का थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा, यानी कि ये क्लेविकुलर हेड है उसके नीचे वाला हिस्सा टारगेट होगा, ठीक है। तो ये वेरिएशन 45 डिग्री के एंगल वाला भी आपका अपर चेस्ट को ही टारगेट करता है बट नीचे हिस्से को, ओके। अब जब आप एंगल चेंज करके 60 डिग्री पे आते, ठीक है, अगेन अपर चेस्ट ही टारगेट हो रहा है यहाँ पे भी, लेकिन उसका दूसरा हेड, अपर चेस्ट यानी क्लेविकुलर हेड का बीच वाला हिस्सा यहाँ पे टारगेट होगा 60 डिग्री के एंगल में। 2, 3, 4, 5 एक और एंगल इसमें है, वो है 80 डिग्री का एंगल, बिल्कुल ऑलमोस्ट खड़ा। अब ये कुछ लोग सोचेंगे कि भाई ये इसमें फ्रंट डेल्ट टारगेट होने लगता है, बिल्कुल फ्रंट डेल्ट भी टारगेट होता है। फ्रंट डेल्ट और आपके क्लेविकुलर हेड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, ये फ्रंट डेल्ट है आपका, यहीं पे से आपका क्लेविकुलर हेड स्टार्ट हो जाता है। सो जब आप इस तरीके के एंगल में प्रेसेस लगाते हो तो आपका फ्रंट डेल्ट भी टारगेट होगा और अपर चेस्ट बिल्कुल क्लेविकुलर हेड का टॉप पार्ट, ठीक है। देखिए ये क्लेविकुलर हेड का टॉप पार्ट, ये हिस्सा, ऑलराइट। काफी सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि उनका टॉप पार्ट ये डेवलप नहीं होता, एक यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि गड्ढा सा बन जाता है। सो इसको फिल करने के लिए, आपके फ्रंट बेल्ट के और क्लेविकुलर हेड के गैप को कम करने के लिए आप ये एंगल यूज़ कर सकते हो। आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको देखा होगा कि ये इस तरीके के एंगल में परफॉर्म करते हैं, जो बहुत ही सिमिलर लगता है शोल्डर प्रेसेस जैसा, लेकिन ये इस मसल को टारगेट करने के लिए होता है, ठीक है। तो यूज़ दीज एंगल्स अगर आपका अपर चेस्ट वीक है तो। ऑलराइट, सो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी ही करनी चाहिए, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यार अपर चेस्ट अगर आपका वीक है तो स्टार्ट विथ अपर चेस्ट एक्सरसाइज। मतलब ये कहीं किताब में नहीं लिखा है कि आप आके सीधा फ्लैट बेंच से ही स्टार्ट करोगे या फ्लाइज से ही स्टार्ट करोगे। अगर आपका अपर चेस्ट वीक है सो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ इंक्लाइंड बेंच प्रेस और इंक्लाइंड डंबल प्रेस और इंक्लाइंड फ्लाइज। मतलब इंक्लाइंड मूवमेंट से स्टार्ट करो, बिकॉज आपकी वो कमजोरी है। हम जब अपनी वीकनेसेस को पहले टारगेट करते हैं, उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, जिम में आते ही उस दिन चेस्ट की एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज वो लगाते हैं, तो हम फ्रेश होते हैं, ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा लोड ले पाएंगे, ज़्यादा मसल को इंटेंसिटी ऑफ लोड और इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट दे पाएंगे, कॉन्सेंट्रिक फेलियर ज़्यादा अचीव कर पाएंगे, जिसकी वजह से मसल ज़्यादा फटीग होगा एंड इवेंचुअली वो ज़्यादा ग्रो होगा। चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, डू मोर वेरिएशंस। यस, सही सुन रहे हो आप, अगर आपका अपर चेस्ट वीक है तो भाई कहीं किताब में ये भी नहीं लिखा है कि आपको सिर्फ 4 या 5 ही एक्सरसाइजेस करनी होंगी टोटल और अपर चेस्ट की सिर्फ 2, बिल्कुल नहीं। अगर आपका अपर चेस्ट वीक है तो ट्राई टू डू लाइक 2-3 वेरिएशंस। आप बेंच प्रेस में डंबल से या फिर आपने बारबेल से एक प्रेसेस कर ली, उसके बाद एक फ्लाई मूवमेंट लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहली एक्सरसाइज अपर चेस्ट जो मेरे वीक है उसकी मैंने प्रेसेस लगा ली बारबेल से, ठीक है। सेकेंड मूवमेंट मैंने क्या किया, फ्लाई लगाया, किससे, डंबल से, यू सेकेंड मूवमेंट मतलब सेकेंड एक्सरसाइज, ठीक है, डंबल से फ्लाई, ऑलराइट। उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा अपर चेस्ट को मुझे और टारगेट करना चाहिए, तो मैंने क्या किया, एंगल चेंज करके, इसी बेंच का एंगल चेंज करके दूसरे एंगल में भी मैंने फ्लाई लगा लिया। तो ये क्या हो गए, 3 अलग अलग वेरिएशंस हो गए। अगर आप चाहते हो कि डंबल को रिपीट नहीं करना है तो जाके केबल से भी फ्लाई लगा सकते हो, ये सिर्फ उसी केस में जब आपका अपर चेस्ट वीक हो और उसको ज़्यादा फोकस करना है तभी। ऑलराइट, पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप चीज़ करनी चाहिए आपको, वो है कि एक सेट ड्यूरेशन बनाओ अपने किसी भी वीक मसल को ग्रो करने के लिए। अपर चेस्ट अगर आपका वीक है तो उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड दो, मतलब कि आपने 8 वीक्स 10 वीक्स या 12 वीक्स का एक पीरियड बनाओ जहां पे आप अपर चेस्ट को ग्रो करने के लिए मेहनत करोगे। हालांकि आप दूसरे और पार्ट्स को भी ट्रेन करोगे, ऐसा नहीं है सबको छोड़ के सिर्फ अपर चेस्ट को ट्रेन करना है, बट चेस्ट को जिस दिन आप ट्रेन करते हो उस दिन आपका एम सिर्फ और सिर्फ अपर चेस्ट को ग्रो करने का, लेवल बराबर करने का दूसरे और बॉडी पार्ट्स से आपको वो करना पड़ेगा। जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, पावर लिफ्टर्स होते हैं, वो ऐसा ही करते हैं, एक सेट ड्यूरेशन बनाते हैं। अगर उनको लगता है उनका हैमस्ट्रिंग वीक है या फिर बाइसेप का पीक सही तरीके से नहीं निकल के आ रहा, सो दे फोकस ऑन सर्टेन पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर मसल ग्रुप। तो उसी तरीके से आपको भी अपर चेस्ट को एक वक्त देना पड़ेगा,
एक सर्टन पीरियड दो, उसी पे फोकस करना है और साथ ही साथ दूसरे मसल को भी बैलेंस करना है उनको भी ट्रेन करके, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ऐड करना। अगर आपको ये पांच चीज़ें आपने ऐड कर ली तो डेफिनेटली कोई भी मसल ग्रुप, ना सिर्फ अपर चेस्ट, कोई भी मसल ग्रुप अगर इस प्रोटोकॉल के साथ आप चलोगे तो आप ग्रो कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ थिंकिंग ऑफ सब्सक्राइबिंग। और साथ ही साथ गाइस, इसी तरीके के वीडियोस मैं और भी जल्दी लेके आऊँगा इसी सीरीज़ में। अगर आपको अच्छे लगे ये वीडियोस तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं HSA में और मेरे पर्सनल अकाउंट में, सो प्लीज़ चेक आउट। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत सलाल साइनिंग ऑफ।